नीति, ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला है, ये बस तेरे दिमाग का वहम है। और बच्चे जो है ना वो अपनी किस्मत खुद लेकर आते हैं, रब का बहुत बड़ा आशीर्वाद होते हैं। और तू देखना, रब तुझ पे अपनी मेहर जरूर करेंगे। नहीं यार परी, तुझे नहीं पता, ये जो लड़के होते हैं ना, बच्चा होने के बाद इनका रंग ही बदल जाता है। बच्चा होने से पहले तो आपके साथ प्यार का दिखावा करते हैं, और जैसे ही बच्चा हो जाता है तब इनकी असलियत सामने आती है। अरे नहीं नीति, ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दो लोग होते हैं, करेक्ट? और जब उनके बीच में बच्चा आ जाता है फिर वो तीन लोग हो जाते हैं। और जैसे एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चे को जन्म देना, वैसे ही एक पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे को अच्छा भविष्य देना। और जैसे एक औरत का प्यार पति और बच्चे के बीच में बढ़ जाता है ना, वैसे ही एक पति का प्यार भी बच्चे और बीवी के बीच में बढ़ जाता है। अब तो राजीव को ही देख ले, वो पहले भी मेरी बहुत केयर करते थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, वो मेरी और भी ज्यादा केयर करने लगे, बहुत ध्यान रखने लगे हैं वो। यार तेरी ये बातें सुन के ना मुझे भी माँ बनना है। तभी तो बोल रही हूँ शादी कर ले। ओके। इनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं यही कहूंगी, वो अभी बेबी कभी कंसीव नहीं कर सकती है। और अगर उन्होंने बेबी कंसीव कर भी लिया तो भी बच्चा दानी में बच्चा ज्यादा दिन तक वो होल्ड नहीं कर पाएगी, और इस वजह से बॉडी ज्यादा कमजोर हो जाएगी उनकी, उनका फिर से मिसकैरेज हो सकता है। अब आपकी बहन के लिए यही सही होगा कि वो बच्चे के बारे में सोचना बंद कर। वाह, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ है ही नहीं। मैं अपने आप को परी से कंपेयर कर रही थी, स्टूपिड। उसका और मेरा तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, और ना ही कभी होगा। ना संजू से कल प्यार करता था और ना ही आज। वो तो उसके पेट में पल रहा मेरा और संजू का बच्चा है, जो संजू को फिर से मेरे करीब आने से रोक रहा है। पर ना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरे संजू को मुझसे दूर रख सके। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल संजू को लौट कर तो मेरे पास ही आना है, उसे बच्चा चाहिए ना, तो वो भी हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, संजू कितना ख्याल रखेगा मेरा, कितनी केयर करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं। संजू तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, तुम जो कहोगे सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। मेरी खुशी मेरे संजू की खुशी में ही है, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो उदास तो मैं भी उदास। कितना स्पेशल कनेक्शन है ना हमारे दिल का संजू, कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं हम दोनों के एहसास। बस बच्चे के चक्कर में तुम मुझे भूल गए हो। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ में फिर से मेरी एंट्री होने से ना तुम्हारी लाइफ खुशियों से और ज्यादा भर जाएगी। आज बैसाखी का दिन है, यानी कि मेरी जीत का दिन। आज शाम के फंक्शन में मैं ऐसी दिखूंगी ना कि संजू फिर से मेरा दीवाना हो जाएगा। खाम बखा इतना टाइम वेस्ट कर दिया सेफ गेम खेलने के चक्कर में, अब मेरा फोकस परिया शैली नहीं, मेरा अपना संजू होगा, और अपने संजू को मैं अपना बनाकर रहूंगी। ओए सारिया दा ध्यान इधर, ओए सुनो सुनो इधर इधर ध्यान। देखो जी बैसाखी से ही ना पंजाबियों का नया साल शुरू होता है, और यही टाइम होता है जब खेतों में फसल कटती है, और किसान इस दिन को ना और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और एक गल, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने और सिख पंथ की शुरुआत भी ना आज के दिन से ही की थी। अब भाई हम लोग शहर आ गए, खेती तो कर नहीं पाते, बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन हमने जो पिंड में देखा और बचपन से जो देखते आए ना, तो कोशिश हमारी रहती है कि यहाँ भी शहर में इस त्योहार को नाम
उसी जोश से, उसी मौज मस्ती से बनाए और पिंड के लोगों को भी इसलिए बुलाते हैं ताकि वो यहाँ आके शामिल हो और पिंड की मट्टी की सुगंध जो है ना तो बड़ी रहे। हाँ जी, आई समझ में गल? वो आ गई जी, आ गई। तो करे शुरुआत जी। जीता जी। तो जाओ। बहुत गर्मी है वीर जी, बहुत प्यास लगी है। तू बैठ, पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं वीर जी, मुझे भी प्यास लग रही है, मैं लेकर आती। थैंक यू, बढ़िया, मजा आ गया। मधुलिका ने संजू के साथ जो किया वो उसकी बेवकूफी थी, क्योंकि उसका संजू से कोई रिश्ता नहीं था। वो संजू के करीब कैसे जा सकती थी? बट मैं तो संजू की बीवी हूँ, मेरा तो पूरा हक है संजू के करीब जाने का। थैंक यू मधुलिका फॉर दिस ग्रेट आइडिया। तुम बेवकूफ थी, मैं नहीं। आई नो परी, तू अपना ग्लास सबसे पहले संजू को देगी। परी ये ले। माजी देखा, आप भी तो पियो। तेरे हूँ ना ये। परी पुत्र, ऐसे सुन। हाँ मैं अभी पूछ के बताता हूँ। यस सर। अरे अमित वीर जी, यहाँ की पूजा के बाद आप सब लोग हमारे घर आ रहे हो ना? सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बैसाखी की लख लख बधाइयां जी। बस खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी में ना टेंशन लेनी, जिंदगी में सब चंगा है जी। दिस इज माय रियल संजू, अ फन लविंग मैन, बट बेचारा परी और उसके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारियों ने इसकी सारी खुशियां ही छीन ली।
खानदान की इज्जत, ताऊ जी का नाम, ताई जी का सम्मान, घर है या पागलखाना, कोई भी अच्छा खासा इंसान पागल हो जाए यहाँ। हर संजू है कि सुनता ही नहीं। संजू प्लीज अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इसे जिम्मेदारियों की बोझ के नीचे बर्बाद मत करो। पर सबकी उम्मीदों पर खड़े उतरते रहोगे तो अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अरे जीजू, ठीक हो आप? आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? ये सही मौका है संजू को अपने रिश्ते की, अपने प्यार की याद दिलाने की, और इस वक्त ये खुद इस हालत में नहीं है कि मेरी याददाश्त के बारे में कुछ भी जज कर पाए। बातों ही बातों में इसके दिल की बात पता कर लूंगी मैं कि ये क्या फील करता है मेरे लिए। ला 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 ला। बैठो बैठो बैठो, ठीक हो आप? एकदम परफेक्ट। मुझे आपकी स्माइल ना बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें पता है मुझे मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मैं दरवाजा बंद कर दूं? कर दो। ऐसे नशे में बहके हुए ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो आप। सच्ची? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि नशे में इंसान दिल से बात करता है, दिमाग से नहीं। और नशे में बहक के फॉर्मेलिटी भूल जाता है, फेमिलियर हो जाता है। जो उसके दिल में होता है बस वही बोलता है, अच्छा बुरा सब। और नशे में इंसान बहुत ज्यादा खुश रहता है ना? तुम भी नशे में हो क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी बातें आज बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी है। तुमने आज कितने दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा कहा है। मुझे बहुत अपनापन सा महसूस हुआ, और पता है मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मुझे भी। तुम्हें याद भी है? क्या था? तुम्हें लास्ट टाइम मेरा हाथ ऐसे कब पकड़ा था? तो बताओ कब पकड़ा था? बता दूं? पक्का? अभी अभी। संजू तुम्हें याद है हमारा रिश्ता क्या था? अच्छे से याद है। बताओ क्या रिश्ता था हमारा? घरवाली हो तुम मेरी। तुम्हें पता है मैं कब से तुम साली साली आधी घरवाली होती है, ये है हमारा रिश्ता। इधर आओ, मुझे मेरी तरफ देखो, बताओ देख के कि तुम्हें मुझ में अपनी साली के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। आता है ना? क्या? तुम्हारी ये भूरी आंखें। पता है मेरी ताई जी हमेशा कहती है कि भूरी आंखें वाली लड़कियों से ना हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए उन पर। मेरी तरफ देखो तो सही, सच में और कुछ नजर नहीं आता मुझ में? अच्छे से देखो, बोलो हो क्या रहा है यार?
ओए परी, एक मिनट सुन। एक मिनट आप, बस एक मिनट। मौआ, राजीव को कहीं देखा है? हाँ भाभी। हाय शैली। हो क्या रहा है नीति? तुम संजू के साथ यहाँ ऐसे? बताओ नीति, हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे क्या? संभल के जवाब दो नीति। अरे भाई चिल्ला क्यों रहे? तुमने संजू का चेहरा अपने हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो तुम्हारा खुद। तुम पागल हो क्या? जीजू की हालत देखो, कैसे ऑड बिहेव कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि कहीं इन्होंने ड्रिंक तो नहीं किया है। यार तुम लोग तो लड़ाई करते रहते हो यार। बैसाखी का दिन है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। रिलैक्स गाइस, चलो सी यू। क्या कर रहे हो तुम? परी तुम्हें पता है जब से तुमने पर्पल कलर पहना है ना, तो पर्पल मेरा फेवरेट कलर हो चुका है। चुप हो जाओ प्लीज, सब देख रहे। चुप हो जाओ। अरे सब देख रहे तो क्या हो गया? सब हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, ये हमसे प्यार करते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने प्यार का इजहार ही तो कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ, सबके सामने क्या कर रहे हो? चंद्रिका, ये संजू क्यों हो यार? नशा करके आया। हाँ नशा, किसका? परी था। ताई जी आम भी ना बड़े भोले हो। परी का नशा तो उसके ऊपर पहले से है, आज तो दूसरा नशा किया है जो उसके सर चढ़ के बोल रहा है इतनी जोरों से। हाय रब्बा, फिर तो इसे रोकना होगा। हाँ सर, तुम ताई जी आज आप मुझे नहीं डांटोगे और परी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं डांटोगे। सॉरी मैंने पी लिया, बट टुडे आई मीन टुनाइट आई एम वेरी हैप्पी। परी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि सबसे पहले मैंने अपने आप को खुशकिस्मत कब माना था? हाँ, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था। शुरुआत में थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, बट परी तुम सैड क्यों हो गई हो? परी तुम ऐसे करोगी, तुम मेरी परी हो ना तुम। ओए पुत्र, ओ जल्दी जल्दी बोल दे वोटी, ये तो अंदर ले जाके कर देगी तेरी बोटी बोटी। नहीं ताऊ जी, परी केवल मेरी बोटी नहीं है, मेरे दिल की रानी है, मेरी जान बसती है इसमें, सबसे ज्यादा प्यार करता हूं आप लोगों से भी ज्यादा, और भगवान जी से दुआ करता हूं कि हर इंसान को ना परी जैसी बीवी मिले ताकि वो मेरी तरह खुशकिस्मत रह सके। नहीं एक बात बता बेटा, संजू के मुंह से परी की तारीफ सुन के सब कितने खुश हो रहे हैं, लेकिन तेरी नीति ये तो फ्यूज बल्ब की जैसे खड़ी है। ऐसा नहीं है मॉम, हर लड़की को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, और परी की तारीफ हो रही है, नीति को थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना। लेकिन ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, मतलब दो जिस्म एक जान। जब बात तारीफ की होती है ना, दोस्ती वोस्ती सब साइड हो जाती है। एनीवे आप छोड़ो ना, वो सुनो ना संजू क्या कह रहा है। आप नीति की चिंता मत करो, नीति की तारीफ मैं खुद पर्सनली करके उसे खुश कर दूंगा। आर यू श्योर? आई एम श्योर। मैं ना भगवान जी को 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1000 करोड़ बार थैंक यू बोलना चाहता हूं जो उन्होंने मेरी जिंदगी में परी को भेजा। और आप लोगों को पता है मेरी और परी की जोड़ी ना एकदम ताई जी ताऊ जी जैसी है, जैसे चंद्रिका भाभी और अमित वीर जी की। एकदम सेम टू सेम। सब सेटल मोंटी, पर तू बाबा जी
इस गरीब पर भी मेहर करो, मेरी भी जोड़ी बना दो। राजीव क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, चुप हो। प्यार का इजहार कर रहा हूँ परी, और मैं आज नहीं भगवान जी को हमेशा थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। ठीक है, सिर्फ तुमने बोला इसलिए। अच्छा तो मेरी बीवी ने बोला है कि मैं चुप हो जाऊं। देखो रात खत्म हो जाएगी लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए तारीफें नहीं खत्म कर पाऊंगा। संजू के पानी में दवाई तो मैंने अपने फायदे के लिए मिलाई थी, पर मेरा पूरा दांव उल्टा पड़ गया है। ये तो परी के और नजदीक आने लगा है।